बोधगया में अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम की हुई शुरुआत। बोधगया पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। सीएम ने तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा से की मुलाकात। नीतीश ने दलाई लामा से लिया आशीर्वाद। बौद्ध धर्मावलंबियों के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बिहार के बोधगया में अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम की शुरुआत हो गई है। 3 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में 33 देशों के करीब 2000 विद्वान अपने विचार रखेंगे। वहीं इस बीच तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा इन दिनों बिहार दौरे पर हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बोधगया के तिब्बतियन मॉनेस्ट्री पहुंचकर बौद्ध धर्म गुरु परम पावन दलाई लामा से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने पवन पावन दलाई लामा को पुष्पगुच्छ, अंग वस्त्र और प्रतीक चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत किया और उन्हें नमन कर उनका आशीर्वाद दिया। परम पावन दलाई लामा जी ने मुख्यमंत्री को दीर्घायु और स्वस्थ रहने का आशीर्वाद दिया और मुख्यमंत्री ने भी परम पावन दलाई लामा जी के स्वास्थ्य और सुदीर्घ जीवन की कामना की। सीएम ने किया सोलर पावर प्लांट का शिलान्यास। उत्तर दिशा में पीतल से निर्मित भव्य द्वार का भी किया उद्घाटन। महाबोधि मंदिर के आउटर बाउंड्री रेलिंग का भी किया शिलान्यास। मुख्यमंत्री ने की भगवान बुद्ध की पूजा अर्चना। महाबोधि मंदिर परिसर में मुख्यमंत्री ने महाबोधि महाविहार और बोधगया टेंपल मैनेजमेंट कमेटी कार्यालय में सोलर पावर प्लांट का शिलापट अनावरण कर शिलान्यास किया। साथ ही महाबोधि मंदिर के उत्तर दिशा में पीतल से निर्मित भव्य द्वार का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने महाबोधि मंदिर के आउटर बाउंड्री रेलिंग का भी शिलान्यास किया। इस दौरान महाबोधि मंदिर में मुख्यमंत्री ने भगवान बुद्ध की पूजा अर्चना की और राज्य की सुख शांति और समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री ने बोधि वृक्ष की भी पूजा अर्चना की। मान्यता है कि बोधगया में ही गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। 3 दिवसीय सम्मेलन को संबोधित करने वालों में संघराज, मठाधीश और बौद्ध संस्थानों के प्रमुख लोग शामिल हैं। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य पाली संस्कृत और तिब्बती बौद्ध परंपराओं के अभ्यासकर्ताओं के बीच चल रहे संवाद और सहयोग को बढ़ावा होगा। सम्मेलन का उद्देश्य प्रत्येक परंपरा की अनूठी शक्तियों की सराहना और समझ को विकसित करना है। वहीं इस अवसर पर कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ बोधगया टेंपल मैनेजमेंट कमेटी की सचिव महाश्वेता महारथी, बोधगया टेंपल मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य अरविंद सिंह, चीफ मॉन्क चालिंदा भंते समेत वरीय पदाधिकारी भंतेगण और बौद्ध श्रद्धालुगण मौजूद थे। पंजाब केसरी टीवी के लिए गया से अभिषेक कुमार सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।